तो आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 एंड टीचर्स। वैसे तो आप लोग 6th क्लास में पढ़ के आए होंगे कि इन टीचर्स क्या होते हैं, पर फिर से एक बार आपको बता दूं कि इन टीचर्स किसे कहते हैं। तो इन टीचर्स और कुछ नहीं, बस अपने नंबर्स होते हैं, लाइक जो अपन डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, ये सारे अपने इन टीचर्स में आते हैं। बस एडिशन क्या हो जाता है कि इनके ये तो प्लस में होते हैं सारे, तो लाइक ये सारे इंटीजर्स तो किस में हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स में आ जाएंगे। दो तरीके के इंटीजर होते हैं, तो 0, 1, 2, 3, लाइक 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, बट है ना, इसको नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव भी नहीं होता है, नेगेटिव भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो अलग कैटेगरी में आ जाता है ज़ीरो। बाकी इसके अलावा जितने भी नंबर बचते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, वो सारे किस में आ जाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स में आ जाते हैं, ठीक है। और इनके अलावा क्या बचते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स में क्या होता है कि इन सब का माइनस कर देते हैं, यानी इन सब के आगे माइनस लगा देते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ज़ीरो तो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी दोनों ही नहीं है, तो वो तो सबसे ही अलग केस हो जाएगा, तो उसमें तो अपन माइनस नहीं लगा पाएंगे। पर इसके अलावा बाकी के सारे नंबर्स 1 से लेके आगे तक के, उन सब के आगे अगर मैं माइनस लगा दूँ, तो वो सब किस में आ जाते हैं, अपने नेगेटिव इंटीजर्स में आ जाते हैं। तो समझ में आ गया, दोनों किस तरह से लिखे जा सकते हैं। अब अपन ये इंटीजर्स पढ़ क्यों रहे हैं, अपन को इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन कैसे, तो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सबसे पहले अपन सबसे बीच में क्या रखा जाता है, ज़ीरो। उसके आगे राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर लिए जाते हैं, क्योंकि वो सब ज़ीरो से बड़े हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में सारे नंबर्स नेगेटिव वाले लिए जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो ज़ीरो से छोटे हैं। तो ये सारे नंबर ज़ीरो से छोटे हैं, यानी जैसे जैसे आप इधर बढ़ोगे नंबर छोटा होता जाएगा, तो -5, -4 से छोटा हो जाता है। तो इस तरह से अपन नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये नंबर लाइन हो गई अपनी। तो अब अपन आगे देखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू किसे कहते हैं, यानी जो उसकी रियल वैल्यू होती है। तो जैसे मैं -6 की बात करूँ, तो या -5, -4, -3 कुछ भी, अगर मैं इसके आगे ही इस तरह का साइन लगाती हूँ, तो क्या कहलाता है वो, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना, यानी उसका मॉड निकालना, एक्चुअली में उसकी वैल्यू क्या। तो इसकी वैल्यू है तो 5 ही, बस अपन ने माइनस ही तो ऐड किया था। तो मैं माइनस, अगर किसी माइनस नंबर के आगे ये लगा देती हूँ, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी निकल के आ जाती है, +5। अगर मैं किसी प्लस के लिए भी ऐसा लिखती हूँ ना, तो भी उसकी वैल्यू यही आएगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्लस ही था, तो प्लस की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 ही थी। अगर किसी माइनस के लिए लिख रहे हैं, तो इस तरह से लिखते हैं। तो ये वाली पॉइंट आपको ध्यान रखनी है, ये तो आप जानते ही हो। अब कुछ बातें हैं, जैसे अपन किसी इंटीजर में अपन को ऐड करना है, लाइक मेरे को 0 में 3 ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगी, इसमें राइट हैंड साइड में मूव करूँगी, नंबर लाइन में 0 के राइट हैंड साइड में मूव करूँगी। और अगर मुझे कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं जहाँ पे भी हूँ अभी, वहीं से मैं लेफ़्ट में मुड़ना स्टार्ट कर दूँगी। तो इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, जबकि बुक में एग्जांपल नंबर 1 दिया हुआ है। ऐड 3 and 8 विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन, ठीक है। तो आपको किसके हेल्प से करना है, नंबर लाइन की हेल्प से करना है इसको आपको। तो सबसे पहले मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, और मेरे को पता है कि 0 के बाद वाले नंबर मेरे काम आ रहे हैं, तो मैं नेगेटिव नंबर को इग्नोर कर सकती हूँ फ़िलहाल के लिए, बस 1-2 लिख देती हूँ। 7, 8, 9, 10, 11 तक मैंने काउंट कर लिया। अब मेरे को बोला इसने 3 में 8 ऐड करना है, तो सबसे पहले 3 पे तो पहुँच जाती हूँ, क्योंकि मुझे 3 में 8 ऐड करना है। अब 0 से लेके 3 पे तो मैं पहुँच गई, ठीक है। अब मुझे इसमें 8 ऐड करना है, तो मैं 8 नंबर आके काउंट करूँगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैं कहाँ पहुँच रही हूँ, 11 पे, तो मैं इसमें 8 ऐड कर दूँगी, तो ये तो +8 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। और आपको दिख रहा है 3 + 8 कितना निकल के आ रहा है, टोटल यहाँ पर पहुँच जाऊँ तो 11 निकल के आ रहा है। तो समझ में आ रहा है ये किस तरह से नंबर लाइन की हेल्प से आपको ऐड करना है, ठीक है। बुक में भी देख सकते हो आप इसको, डायग्राम को। अब ऐड का एग्जांपल तो अपन ने कर लिया, अब इसमें एक और कैटेगरी ले लेते हैं, ऐड 6 एंड -3,
यानी 6 और माइनस 3 को ऐड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि अपन को क्या करना है, जब भी नेगेटिव साइन आता है या बोलता माइनस करो तो अपन को कौन सी तरफ चलना है, लेफ्ट की। तो इसने 6 बोला था तो मैं 6 पे तो पहुंच गई। 6 में से इसने 3 को ऐड करने बोला है, यानी क्या हो रहा है, 6 माइनस 3 हो रहा है। आप देख सकते हो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो 6 में से 3 माइनस हो रहा है। तो मैं 3 स्टेप पीछे चली जाऊँगी, 1 2 3। तो मेरे पास क्या आ गया आंसर, 3 आ गया। मैं 3 पे पहुंच गई और वही अपना आंसर आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अपन नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 3, जिसमें क्या बोल रहा है कि सब्ट्रैक्ट करो 3 फ्रॉम 8। अब आप ध्यान से पढ़िएगा सब्ट्रैक्शन में लैंग्वेज कि किस में से किसको माइनस करने वो बोल रहा है, ठीक है ना, वरना मिस्टेक हो जाएगी। तो 3 फ्रॉम 8 यानी 8 में से 3 माइनस करना है, तो 8 माइनस 3 जो कि अपन को पता है वैसे तो 5 आता है, पर अब अपन नंबर लाइन पे इसको करके देखते हैं। तो नंबर लाइन पे अपन इसको किस तरह से परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले अपन नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 0 से स्टार्ट होते हुए। अपन को सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ करना है, 8 पे, यानी मैं 8 पे हूँ अभी, ठीक है। और 8 में से उसने क्या बोला है, 3 माइनस करना है, तो 1 2 3 काउंट करके मैं 3 माइनस कर दूँगी। आंसर मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आंसर आ गया प्लस 5, ठीक है ना, जैसे प्लस में आपको पता है ना, तो प्लस 5 इज़ द आंसर यानी 5। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करना है ईजीली समझ आ गया, तो ईजी था। नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा टिपिकल है, इसको ध्यान से समझिएगा। सब्ट्रैक्ट -2 फ्रॉम 7, लाइक 7 में से आपको 7 में से लाइक -2 फ्रॉम 7 यानी 7 में से -2 करना है, तो 7 में से -2 को माइनस करना है, ये बात ध्यान रखना। सब्ट्रैक्ट और -2 दो बार नेगेटिव साइन है, तो फ्रॉम 7 7 में से माइनस करना है -2 को, तो 7 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 9। तो आंसर अपना 9 आना चाहिए नंबर लाइन से, पर सॉल्व वैसे अपन को नंबर लाइन से करना है तो आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। 0 से स्टार्ट कर लेते हैं अपन, अपने पास नेगेटिव इंटीजर काम नहीं आने वाला है। उसने क्या बोला कि 7 पे से स्टार्ट, यानी आप 7 पे तो पहुंच चुके हो, ठीक है, 7 पे तो आप पहुंच गए। अब उसने बोला -2 करना है, यानी -2 माइनस करना है, तो -2 माइनस करने के लिए आपको 2 कदम आगे ही जाना पड़ेगा क्योंकि 2 बार माइनस है, ठीक है। अगर ये सिर्फ बोलता कि -2 करो, यानी सिर्फ 7 माइनस 2 करो, तब अपन 2 कदम पीछे चलते हैं, यानी इधर आ जाते 5 पे, पर इसने बोला है -2 माइनस करना है, इसीलिए अपन आगे की तरफ। तो जब भी यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर हो तो जो नॉर्मल कंडीशन में करते आ रहे थे अपन को उससे उल्टा करना है। तो अब अपन कहाँ पहुँच गए, 0 से लेके 9 तक पहुँच गए -2 माइनस करने से, तो आंसर क्या आ गया अपने पास, 9 आ गया, ठीक है, समझ में आ गया बात। 7 माइनस -2 9 आ जाएगा इस तरह से आपके पास। आपकी बुक में आगे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, स्टेटमेंट्स दे रखे हैं कि एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन है, उसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं जिनको आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स। तो सबसे पहला है स्टेटमेंट है कि वेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव यानी आपको पता है 0 के आगे वाले, +1 +2 एंड सो ऑन, पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर एज अ रिजल्ट, यानी हमको क्या मिलता है रिजल्ट में, अगर हम किसी दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमको हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। तो इसका एक एग्जांपल करके देख लेते हैं अपन, चाहे अपन कोई सा भी ले लो दो पॉजिटिव इंटीजर, 7 हुआ 5 हुआ, 7 प्लस 5 अपने को 12 मिलेगा, ठीक है। मैं 6 और 3 ले लूँ तो 6 प्लस 3 में वो 9 मिलेगा, इसका मतलब मैं देख सकती हूँ कि सारे पॉजिटिव इंटीजर को, यानी किसी भी दो ले लूँ उनमें से, तो दो को ऐड करने पे मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा मुझे। सेकंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, यानी कि नहीं दो नेगेटिव इंटीजर को मैं ऐड करूँ। देखो ये रूल्स आपको ध्यान रखने हैं कि जब पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड होता है तो पॉजिटिव आंसर आता है, नेगेटिव नेगेटिव ऐड होता है तो आंसर नेगेटिव आता है,
जो मैं बातें बोल रही हूँ ना, आपको ध्यान रखनी है। और अगर मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को ऐड करूँ तो तब डिपेंड करता है आंसर कि बड़ा उनमें से बड़ा कौन है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जब दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमको एक पॉजिटिव इंटीजर मिलता है, जो कि आपको पता है रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अब भी मैंने बताया कि कभी भी दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड करो, एग्जांपल लेके देख लो, -7 और -5 है, आप इसको नंबर लाइन पे भी कर सकते हो, ऐड करने पे आंसर माइनस का 12 आता है, ठीक है। -7 और -5 है, इनको मैंने ऐड किया तो मेरे पास आंसर -12 आया। कैसे? -7 प्लस -5, ठीक है। तो -7 -5 माइनस का 12, यानी इन दो नंबर को ऐड करने पे मेरे पास आंसर क्या आया? माइनस का 12। तो मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा है, तो ये कैसा है? फॉल्स है स्टेटमेंट, और ये कैसा था? ट्रू था, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है अपने को कि वैन ए पॉजिटिव इंटीजर एंड ए नेगेटिव इंटीजर, यानी अब एक बताया मैंने अभी आपको कि एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं या और एक नेगेटिव लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि डिपेंड करता है कौन बड़ा होगा, यानी पॉजिटिव नंबर वाला बड़ा होगा तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, और अगर नेगेटिव वाला बड़ा होगा तो नेगेटिव वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो दोनों में से जिसकी वैल्यू बड़ी होती है, यानी जो नंबर बड़ा होता है, वो अपन को आंसर मिलता है। तो ये क्या बोल रहा है स्टेटमेंट कि एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करें एक नेगेटिव इंटीजर के साथ, तो हमको हमेशा भी ऑलवेज का मतलब हमेशा, तो हमको हमेशा क्या मिलता है? एक पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर या नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या हमेशा नेगेटिव मिल जाए हमको? नहीं मिल सकता ना, क्योंकि ये क्या है? फॉल्स है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको दोनों को ऐड करने पर डिपेंड करेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है, प्लस वाला बड़ा है या माइनस वाला, उसी पे आंसर डिपेंड करेगा। फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है एडिटिव इनवर्स ऑफ 8 इज -8। एडिटिव इनवर्स उसे कहते हैं जिसको मैं जिसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे पास आंसर 0 आ जाए, ठीक है। तो मैं 8 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 0 आ जाएगा? ऑफ कोर्स -8, क्योंकि ये x आपको पता है इधर वेरिएबल ले लिया मैंने, सपोज करो उस नंबर को वेरिएबल ले लिया जिसको ऐड करने पे आंसर 0 आए, तो मैंने क्या लिख दिया? 8 प्लस x बराबर 0। अब 8 प्लस x इक्वल टू 0 है, तो x निकालने के लिए ये इधर प्लस में 8 है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो x 0 -8 बन जाएगा, यानी -8। तो x की वैल्यू मेरे पास -8 आ रही है, तो मेरे को पता पड़ रहा है एडिटिव इनवर्स ऑफ 8 इज -8, निकाल लिया मैंने, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? ट्रू हो गया, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि -7 प्लस 3 7 माइनस 3 के बराबर होता है कि नहीं होता है। 7 माइनस 3 तो आपको पता है 4 है। अब -7 प्लस 3 नंबर लाइन पे इसको आप शो कर लो, ये -7 है, तो आगे इसमें लिख लीजिए नंबर, तो नंबर लाइन पे आपने सारे ड्रॉ कर लिए हैं, तो -7 प्लस 3 करना है आपको, ठीक है। तो -7 पे मैं आ गई, और -7 में मुझे 3 ऐड करना है, तो मैं राइट हैंड साइड में 3 नंबर आगे चली जाऊंगी, तो 1 2 3 काउंट किया मैं कहाँ पहुँच गई? -4 पे। तो ये आंसर मेरा क्या आ रहा है? -4 आ रहा है, पर ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। इसका आंसर -7 प्लस 3 आ रहा है और इसका आंसर 4 आ रहा है, पर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। -4 इज़ नॉट इक्वल्स टू 4, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दी हुई है, ये जो स्टेटमेंट दी हुई है इसने कि ये ऐसा होगा, ये क्या है? फॉल्स है, क्योंकि दोनों बराबर नहीं होंगे। स्टेटमेंट देखते हैं आगे आपकी क्या दी हुई है। सिक्स्थ स्टेटमेंट कि 8 प्लस -7 माइनस ऑफ 4 इज नॉट इक्वल्स टू 8 प्लस 7 -4। तो अपन सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो 8 प्लस -7 प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस का 7 आ जाएगा। अब यहाँ क्या है? माइनस इंटू माइनस का 4 है ना, दैट इज़ माइनस ऑफ -4। तो 8 में से 7 क्या 1, और माइनस इंटू माइनस यहाँ क्या होता है? प्लस का 4, तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास? 5। अब अगर इधर देखते हैं अपन, तो 7 माइनस 4 कितना होता है? 3, और 8 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 11। तो आपको दिख रहा है यहाँ तो आंसर 5 आ रहा है, पर यहाँ क्या आ रहा है? आंसर 11 आ रहा है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। 5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 11,
तो जो ये गिवन स्टेटमेंट था कंप्लीट, ये वाला, ये सही है, ट्रू है, ये बोल रहा था पहले भी कि वो इक्वल्स टू नहीं है, यानी बराबर नहीं है, और अपने पास भी ये निकल के आ गया है कि ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया किस तरह से स्टेटमेंट सॉल्व करने हैं ये सारे। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते अपन, आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी तरफ से एक्सरसाइज 1.1, कुछ क्वेश्चंस आपको आने लग जाएंगे, पर अगर आप चाहते हो कि कंप्लीट एक साथ करना है तो कल के टॉपिक के साथ अपना ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप एक्सरसाइज 1.1 कर सकते हो। ओके, थैंक यू।